अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर टू स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर टू है हमारे पास सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय बायोलॉजिकल मेथड। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो साइंस है वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमाइज्ड नॉलेज में क्या होता है, प्रॉपरली आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन तजर्बात से हासिल किए गए नॉलेज को आप लोग सिस्टमाइज करके नई थ्योरीज बनाते हैं, जो पुराने नॉलेज को इनक्रीज करते हैं। वो मेथड जिसमें तमाम बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और फिजिस्ट यूज़ करके उसको क्या करते हैं, एक नई थ्योरीज बनाते हैं या नए नॉलेज को इन करते हैं साइंस के अंदर, उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म नई नई चीज़ों को पैदा करता है, और जब कोई भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक कोई नई इन्वेंशंस को लेकर आती है, तो इंसान क्या करता है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने की खातिर उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और जब उसको वो फाइंड आउट करता है, दैट मेथड इज़ एक्चुअली साइंटिफिक मेथड। अगर वो क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक है, तो हम वो कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, तो आप कहोगे साइंटिफिक मेथड। इन विच, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड। ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे, वो हमारे पास कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड। अब इस मेथड में करते क्या है, हम लोग उसी क्वेश्चन को जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतलिक आया हुआ होता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, इस मेथडोलॉजी में वो तमाम स्टेप शामिल हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये आज का नहीं है, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि बायोलॉजिकल मेथड पिछले 500 सालों से इसका हिस्सा है। कब से, जब 1590 में गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट हुए थे, वहाँ से गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से अब तक, यानी 1590 से अब तक तकरीबन 500 ईयर्स हो गए हैं, बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा रहा है। और अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसने अपना हिस्सा मेडिसिन में भी बना लिया है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बना लिया, इकोलॉजी में भी, जितनी भी नई इन्वेंशंस हो रही हैं वो सारी की सारी इसी बायोलॉजिकल मेथड से हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास अमैन ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है, जी मानना पड़ेगा, क्योंकि इन द अर्ली लाइफ हिस्ट्री इंसान जितना ज़्यादा जानदारों के मुतलिक सीखता गया, उतना अच्छा शिकारी बना, जितना अच्छा वो हंटर बना, उतना ज़्यादा वो अपने खाने की चीज़ों को ढूंढ सकता था। तो अपनी सर्वाइवल की जंग के लिए वो भी इसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस ज़मीन पर काबू कर पाया। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको करते हुए एक बायोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखिए, सबसे पहला होता है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब सबसे पहले, जब तक प्रॉब्लम की पहचान नहीं होगी तो हम उससे मुतलिक नहीं कर सकेंगे ऑब्जर्वेशंस, यानी सेकंड वन हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वेशंस। थर्ड वन है हमारे पास, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनसे बनाना एक अदद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद फोर्थ नंबर पर आप उन हाइपोथेसिस से क्रिएट करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन पर आप लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप लोग लास्ट, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होता है जी, उसे समराइजिंग ऑफ रिजल्ट करते हैं।
सेवन और लास्ट वन होता है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। और ये हमारे पास रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट तक ये सेवन स्टेप बनते हैं। इन सात स्टेप से गुजरकर एक बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, किन चीज़ों को देखकर रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, कच्चे हाइपोथेसिस की खसूसियत क्या है, हाइपोथेसिस रिडक्शन कैसे जनरेट करते हैं, रिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का कौन सा जो निज़ाम होता है और हमारे पास है, फिर किस तरह से हासिल किए गए रिजल्ट को समराइज करते हैं, और फाइनली किस तरह से उन्हें रिपोर्ट किया जाता है सेमिनार और मीटिंग में। बहुत शुक्रिया सर।